आज के डेट में यूट्यूब वो चीज है ना कि जितना लोग उम्मीद नहीं करते ना उससे कई गुना ज्यादा मिल जाता है। कमजोर लोगों को लोग दबाते हैं। हम और मेरी वाइफ प्रिया जी दोनों के साथ मिलकर के हम लोग काम घर बनाए। खाने तक के पैसे नहीं होते थे यार, तो वो तो दूर की बात है। कि बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, हकीकत है भैया। मुझे बताओ ना कि चोट लगने के बाद मतलब कि आदमी समझ में आता है कि हाँ भाई हमने गलत किया। कैसे हो दोस्तों, एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अभी हम हैं विजय रिया व्लॉग्स के घर पे, और जैसा कि आपने उनका सपनों का घर देखा था जिन्होंने यूट्यूब के पैसों से अपने सपनों का घर बनाया है, लेकिन सपनों से पहले उनका एक घर था जहाँ पे वो गुजारा करते थे। एक कमरा उसके अंदर रहते थे और उसके आगे बकरियाँ बंधी रहती थी। तो ये होता है इंसान का स्ट्रगल, उनका मेहनत किया तब जाके उन्होंने अपने सपनों का घर बनवाया। वीडियो नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जरूर देखे। लेकिन आज हम दिखाने वाले हैं उनकी असलियत, क्या बोलते हैं वो। देखिए ऐसा है भाई, हम अपनी आदत के हिसाब से, अल्तमा भाई अपनी आदत के हिसाब से वो दिखाएगा। आप लोग बाहर से किसी भी इन्फ्लुएंसर जो वायरल होता है, बाहर से जितना कुछ आपको देखने को मिलता है ना उससे बहुत ज्यादा, कि पहले वो कैसे थे, कैसे जीते थे, कहाँ खाते थे, कहाँ पीते थे, कहाँ सोते थे, क्या क्या, कौन सी बकरी वाला कमरा है, सब कुछ डिटेल में जो सब कुछ दिखाने वाले हैं। क्योंकि हर इंसान जब सक्सेस होता है, जैसा कि आप जानते हैं विजय रिया व्लॉग्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, उनकी गरीबी कितनी ज्यादा थी, तो ये भी बता सकते हैं अभी, मतलब उनसे पूछेंगे कि आपके मतलब हिस्से में क्या क्या आया, क्या क्या आया है। तो मतलब आज हम दिखाने वाले कि YouTube पे जब वो वायरल नहीं होते तो कैसे रहते थे, कैसे गुजारा करते थे। और रिया जी से आपको मिलवाने वाले हैं, आपकी भाभी से। भाई तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो चलिए फटाफट चलते हैं आगे है वो वाला घर, क्योंकि यहाँ पे हम खड़े हैं सपनों घर के सामने और अभी हम चल रहे हैं पुराना घर दिखाने के लिए। चले फटाफट, चैनल पहले सब्सक्राइब कर देना, फटाफट चलते हैं भाई। चलो भाई सभी हैं विजय भाई के पुराने वाले घर के पास, मतलब ये घर देख सकते हैं आप, और उसके बाद सपनों का घर ये देखिए गाइस, ये पुराना घर। मतलब देखिए एक यूट्यूबर की लाइफ कैसी होती है, पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं, पहले कैसे ज़िंदगी थी। घर देख सकते हैं आप, ये देखिए कैसे घर है भाई, इसके अंदर का भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, लेकिन जो भी है आप देख सकते हैं भाई ये घर कैसे हैं। मतलब जब यूट्यूबर इंसान नहीं होता, यूट्यूबर सक्सेस नहीं होता, धड़ धड़ भटकता है, और जब यूट्यूब पे सक्सेस होता तब लोग जाकर एक घर बनाता, अगर वो यूट्यूब पे सक्सेस ना होता तब ज़िंदगी कैसी होती है आप ये देख सकते हैं भाई, इसी घर पे, समझ रहे हैं। ये देखिए विजय भाई, आइए 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 आइए, ये देखिए पहले यूट्यूब से पहले का घर है भाई ये, क्या बोलते हैं बॉस, क्या कहेंगे अपने जिंदगी के बारे में, क्या कहेंगे। देखिए अभी तो क्या ही बताओ, बहुत मतलब मैं जितने भी अपनी जो हमारी यूट्यूब फैमिली व्यूअर्स है जिनको मैं मतलब जितना भी मैं थैंक्स बोलूँ मेरे लिए वो कम पड़ेंगे, क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब वो चीज़ है ना कि जितना लोग उम्मीद नहीं करते ना उससे कई गुना ज्यादा मिल जाता है। आपने कभी उम्मीद किया था? कोई उम्मीद नहीं करता। मतलब पहले आप एक घर में कैसे गुजारा करते थे? अब होती थी, अभी भी हो ही रही है, गांव के अक्सर लोगों का जीवन शैली यही होता है, मेरा ही नहीं गांव के सभी लोगों का जो होता है जीवन वो सदा जीवन होता है, नॉर्मल जीवन, जो मेरी जो आप लोग वीडियो को देखे होंगे स्टार्टिंग यही घर से। चलिए थोड़ा दिखाइए घर, दिखाइए आप थोड़ा सा घर दिखाइए, ये वाला आपने ये देखिए गाइस, बहुत सारे और भाभी जी साथ में खड़ी हुई हैं। कैसे हैं भाभी जी? तो ये रिया जी हैं गाइस, देख सकते हैं मैंने रात में दिखाई नहीं आपको, लेकिन पूरी रात में यहाँ पे बकरियाँ बंधी हुई थी। हाँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कम जगह है। और थोड़ा आपने स्टोरी बताइए जो आपने बताया था रात में हमको, कि मतलब हमें ये घर ना मिला, आपको वो जगह मिला। यही देख, जैसे कि पहले बाहर में हम काम करते थे ना, जैसे कि लॉकडाउन आई तो काफी दिन हम लोग बाहर रहे, बाहर ही ज्यादा दिन हम लोग रहे, तो जब वो लोग दोबारा जब वो लोग घर आए ना तो इस घर को देख करके मतलब काफी मतलब ये लगा, क्योंकि इसमें काफी चीजें हमारी थी वो चीज निकल चुकी थी, मतलब बेड उड था, मतलब अभी ये बंटवारा हुआ नहीं है, जो दादाजी का जो बनाया हुआ घर है ना वही है, वही है, फैमिली मेंबर में और सारे सदस्य है। तो फिर बोले कि आप लोग बकरी को हटा दीजिए, अब हम लोग आ गए तो यहाँ पे रहेंगे। तो एक कहावत है ना कि कमजोर लोगों को लोग दबाते हैं, तो हमारे साथ सेम वही चीजें हुई और काफी लड़ाई झगड़ा होने लग गई, और फिर लास्ट में फिर लोगों का सहारा लेना पड़ा, मुखिया सरपंच का जो गांव में जो होते हैं प्रधान बैठक हुई, तब जाकर के वो अभी जो सपनों का घर जो बन रहा वो जगह हम लोगों को मिली, वो घर नहीं जगह उन्हें मिली कि आप लोग यहाँ अभी घर बना रहे। हाँ, तुम्हारे पास साधन मतलब मेरे करे तो पैसा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। फिर महिला समिति से लोन निकाला, महिला ग्रुप किटी हो हर जहाँ अलग अलग नामों जानते, समूह से पैसा निकाले, 10,000 लोन निकाले,
कि जाकर के हमने ईटा बगल का ही एक पड़ोसी है उनका ईटा बच गया था। अच्छा अच्छा, तो खरीद लिया। हाँ, वो आधा पैसा दे करके बोले आधा दे देंगे धीरे धीरे, तो दे दिए। उसके बाद फिर हम लोग अपने पैसे नहीं रहने के कारण हम और मेरी वाइफ प्रिया जी दोनों के साथ मिलकर के हम लोग काम घर बनाए, क्योंकि मिस्त्री का 400 रुपया है जिनका उन लोग का हाजिरी है, वो लेबर का कम से कम 250-300, तो 700 रुपया मेरा रोजी चल जाता है। उसके पास मेरे पास पैसे नहीं था, खाने तक के पैसे नहीं होते थे यार, तो वो तो दूर की बात है। तो हम सोचते यार पता नहीं भगवान इम्तिहान लेते हैं क्या करते हैं, फिर भी हार नहीं मानी हमने। तो भाभी जी कभी आपको नहीं हुआ कि मतलब क्या कैसे जिंदगी जी रहे, कभी साथ छोड़ा नहीं आपने? नहीं। तो कैसा फील होता पहले शादी आपने किया, इतनी मुसीबतें थी, पैसे नहीं होते थे, जब 4,000-5,000 की नौकरी करते थे, कैसा लगता था क्या शादी करके हमने गलत किया, कभी ऐसा ख्याल आया होगा? नहीं हुआ। तो ये होती देखिए जिंदगी। थोड़ा सा तो मुझे लगता था कि यार वो जिंदगी मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मतलब हमको खराब लगता था अपनी बेटी को जिंदगी नहीं दे पा रहा था। तो फिर वो घर को शुरू किया बनाना अपने ही हाथों से, और जो एक मेरे मित्र हैं मैंने बताया ही अपनी वीडियो में, सुनील नाम है उनका, वो अभी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सुनील वाटेक उनका नाम, सुनील गुड़िया ब्लॉग उनका चैनल का नाम। तो वो मेरे से पहले यूट्यूब में थे, तो वो मेरे को सलाह दिए कि आप ही यूट्यूब में आइए और अपना जो दिनचर्या जो रहन सहन है वो ब्लॉग्स के रूप में बनाइए, आपका ये यादगार भी रह जाएगी, वीडियो भी मतलब रह जाएगा और कुछ अर्निंग भी होगी, चलेगी तो अर्निंग होगी। तो मैंने सोचा अच्छे मित्र हैं तो क्यों नहीं एक बार फॉलो किया जाए। हाँ, उनके घर भी मैंने गया, वो मेरे को अपने चैनल पे लाए, थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रमोशन था। हाँ, प्रमोशन हुई और उस जगह से मेरे को थोड़ा सा बूस्ट मिला, 1,000 सब्सक्राइबर सामने 1,500 आए हुए थे। धीरे धीरे मैं करता गया, काफ़ी मैं डिमोटिवेट भी काफ़ी हुआ, फिर इधर चले गए, इधर हमारे गुरु जी हैं, मतलब इनका वीडियो देख करके अंदर से जो कहते हैं ना आग लग जाती, सच्ची बात है ये, क्योंकि इनका जो वीडियो था, एक मैंने वीडियो देखी थी 32 लाख, ये मेरा दिमाग में सेट है, ये कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा। तो मतलब खुद को 32 लाख कमाना है, ऊपर वाले की अब लोगों का प्यार, तो मुझे लगा यार यूट्यूब से भी इतना कमाई हो सकती है क्या, लेकिन मैंने सोचा इनका स्कूल देखा मैंने लगा, मुझे पहले लगा कि नहीं यार ये रईस घर से हैं, पहले ऐसे ही बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सबको लगता है। तो फिर और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, उनका मैंने वीडियो देखा तो लगा यार कि जिनको बोलने का ढंग नहीं है आज वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, मतलब इधर पहले की जो वीडियो मैंने देखा ना, देन ये लगा ना यार ये इंसान कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी स्टार्ट कर दिया और करते गए और अभी तो आपके सामने हूँ। जो भैया जी कभी आपको ये लगा कि मैं शादी करके गलती किया, मतलब आप अपने पापा से दूर है, मम्मी पापा से, कभी लगा नहीं कि आप उनसे मिले, ऐसा कुछ ख्याल कि हमने गलती कर दी शादी करके, हमने प्यार करके गलती कर दी? देखिए एक है ना कि एक अच्छा हस्बैंड के मतलब कि बावजूद भी, मतलब एक कहते ना जो भी, मतलब मैं एक कपड़ा नहीं पहले लेता था, लेकिन अपने परिवार को देने का कोशिश करता हूँ हमेशा, किसी भी चीज़ का मतलब कमी होने का नहीं दिया। वो जैसे लड़ाई झगड़ा होती है ना कहीं, तब यार अपने फैमिली को याद आती है, नहीं तो ऐसा कुछ कमी होने ही नहीं दिए, तो ऐसा हुआ ही नहीं आज। चलिए अभी तो खुशी का टाइम है। हाँ। अब इनकी जितनी जरूरतें आपको पूरी करनी है जो पहले आप नहीं दे पाए। हाँ। समझ रहे हैं पहले आप कैसे कष्ट किया, लेकिन अब टाइम है। हाँ। इनको हर चीज देने के लिए। हाँ। सही है। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं कितना कष्ट किया, और ये घर देखिए भाई आप, अंशु भाई तो फुल इमोशनल हो गए भाई, क्या बोलते बॉस, ये देखिए मतलब जिंदगी देखिए कहाँ से कहाँ, ये देखिए इनके बच्ची चांदनी हाय कर दो, हाय करो, नहीं करोगे सिर्फ पापा के उसपे करोगे। अभी मस्त खेल रही बच्चे लोग यहाँ पे हैं, ये देखिए भाई जिंदगी क्या क्या करती है भाई, ये देख सकते हैं आप। विजय भाई घर अभी बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो देखते कितना हिस्सा में आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि पहले डर लगता था लेकिन अभी उस जगह पे है कि अब थोड़ा क्या कहते हैं, एक कहावत है ना कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, हकीकत है भैया, मुझे पता है। वाह लोग पहले क्या डायलॉग मार दिया भाई, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, मैं नहीं मानता था, लेकिन ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, हुआ मेरे साथ, तब मैं जानता हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे को बात नहीं करते थे, मेरे को लोग इतने दूर व्यवहार से लोग करते थे ना, कि जब मेरी शादी हुई थी ना तो लोग ऐसे करते थे कि क्या पता अगर मेरे साथ वो सड़ जाएंगे तो कोई बीमारी हो जाएगी, अगर दूर दूर होते थे। तो अभी सारे लोग अभी धीरे धीरे
और शादी के बाद बहुत दिक्कत आई होगी, इतना दिक्कत आई ना भाई, वहाँ में सबको कहते हैं लव मैरिज मत करियो, अगर करियो तो पहले अपन पैर में खड़ा हो तब करिए, तब प्यार करके शादी करने। न जाने हमारे जैसे अभी कितने सारे जो यूट्यूब मतलब कपल्स हैं जो अभी दर बदर भटक रहे हैं, मैं भी भटक ही रहा था, मैं सोशल मीडिया में आया तब मुझे लोग जाने इसकी ताकत पता चल गई ना, मतलब मेरी जो जिंदगी को देखे, गरीबी देखे, मतलब जो एक होता है ना धन्य स्थिति देखे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ, लाखों लोग हैं। हाँ, मेरे घर आते हैं ना ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, मुझे बहुत खराब लगता है कि भैया मैं लव मैरिज किया हूँ, फैमिली सपोर्ट नहीं है बहुत साल, आज तक नहीं लगता कि मेरे घर 100 से मतलब ज्यादा कपल आ गए होंगे, लेकिन क्या करूँ, गलती लोग करते फिर बाद में पछतावा होता है, ये कहावत है ना कि चोट लगने के बाद मतलब कि आदमी समझ में आता कि हाँ भाई हमने गलत किया है, तो कोई ना, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन यूट्यूब जिंदाबाद है, यूट्यूब जिंदाबाद भाई, लेकिन देखिए ये भी अब हमको देख करके हमारी वीडियो अभी चल रही है, ये मत सोच लीजिए कि विजेरिया की व्यू आती है उनका चैनल चल रहा तो हम लोग भी आ जाए, क्योंकि भाई वो हम लोग शादी किए हुए थे यूट्यूब के चक्कर में, हम लोग मेरी शादी हुई थी 5 साल पहले, लेकिन अभी हम लोग यूट्यूब में है, अब बहुत सारे लोग जो होते हैं ना जानबूझ के आते हैं लव मेरे शादी कर लेते हैं, चल रहा है ट्रेंड चल रहा है भाई वो, ये कोई फिक्स नहीं भाई, वो यूट्यूब एक हवा की तरह, किस्मत फिर लग है, अगर चल गई तो चल गई, गोटी उठ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, कोई फिक्स नहीं है, बाकी मेहनत ना करे जो इंसान वो बेकार है, ये कहते हैं मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत है किस्मत तो आजमाना पड़ेगा ना, देखिए लोग देखिए किस्मत और लोग कहते हैं ना सर किस्मत, ये एक बात की बात है, काम करना किताबे की बात है ये सब, देखिए एक तरफ क्या कहता है कि सब्र किसी का मतलब कि सब्र का फल मीठा होता है, लोग बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता, और दूसरा तरफ यही कहता है क्या कि सब मतलब क्या कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता, दोनों चीज तो कह रहा है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और एक तरफ लोग कह रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता, तो मैं क्या करूँ सब्र करो या फिर सब्र ना करो, ये सब एक बात की बात है, मेहनत करोगे भाई वाह सब चीज पॉसिबल है, बिल्कुल बस मेहनत होना चाहिए, हाँ बेटा मांग रही है, मांग रही है ना, इसलिए जो हमारी वीडियो को देख करके बहुत लोग आए हैं यूट्यूब में, हम यही कहेंगे कि बेहतर काम करिए, अच्छा चीज है यूट्यूब, क्योंकि कोई नहीं जानता किसका किस्मत में किया है, आने वाला दिन में आप स्टार बन सकते हैं, यूट्यूब पे भाई हर चीज पॉसिबल है, समझ रहे हैं, हर चीज पॉसिबल, आप हर चीज कर सकते हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, समुंदर है जितना चाहे आप पानी निकाल लो, हमारा तो काम ही लोगों को बताना बाकी जिनको समझना है समझता है, जो नहीं समझता वो आगे, ये सच्चाई है, टाइम पास करते हैं, खुल के बता दिया हूँ जो भी होती है भाई, मेरी लाइफ में खुल के बताता हूँ, सही सही, क्योंकि यूट्यूब से लोग इतना कमा लेते हैं ना कि कल्पना भी नहीं करते, नहीं कर पाएंगे, और देखिए बहुत लोग दिखाते हैं और बहुत लोग नहीं छुपाते हैं, मैंने स्कूटी ली वो बताई, अलमीरा लिया वो बताया, परिवार को 25,000 का मंगलसूत्र दिया वो दिखाया, अभी मैं कार बुक कराया हूँ वो दिखाया, अब छुपा कहाँ रहा हूँ भाई, सब बता देता हूँ, सही है सही है, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं बताते हैं, लेते भी नहीं बताते, मैं खुले दिल का लोग हूँ भाई, जो होता है खुल के बता देता हूँ, जो हो जाए, देखिए मैं ये भी कहा हूँ ना, जितने भी लोगों का 1,00,000 सब्सक्राइबर है और अगर 50,000 अगर एक्टिव व्यू आता है तो मैं लिख के देता हूँ कि वो 30,000 रुपया हर एक मंथ कमा लेगा, वो अगर चाहेगा तो वो कार ले सकता है, परंतु वो दिखाना नहीं चाहता है, वो नहीं लेते हैं, वो चाहते हैं कि मैं वही जिंदगी को दिखाते रहूं, लेकिन क्या करूं, सब आज के डेट में कोई गुड़बक भी नहीं है, सब लोग जानते हैं, लोग सोशल मीडिया से कमाते हैं, तो सब जानते हैं, तो सब बता देते हैं, यूट्यूब हमारे लिए, फिर भी आपके जैसे अभी भी लोग हैं जिनको विश्वास नहीं है, नहीं हम कह रहे हैं सही बात, लेकिन विश्वास आपको भी विश्वास पहले नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो वही चीज तो जैसे आप है ना, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको विश्वास नहीं है, नहीं लेकिन समझ रहे हैं ये चीज़ है, मतलब यूट्यूब में पैसा, रिया जी कुछ कहना चाहेंगी, लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए, बताइए, चलिए कोई और आज मुझे सौभाग्य मिली कि जिनका वीडियो मैं पहले देखा करता था यूट्यूब में, जब मैं शुरू नहीं किया था टेक चैंपियन सपोर्ट सर, आज वो मेरे घर पे पधार रहे, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, अरे वाह, क्योंकि मेहनत मेहनत अगर मेहनत में नहीं करता, मेहनत किया तभी हमें यहाँ पर आया, नहीं लेकिन हम सभी के पास पहुँच जाते आज पहुँच जाते हैं सर, वो सही बात है, मेहनत भी करता लेकिन मेहनत किया हो तभी पहुँचते हैं ना, हाँ मेहनत किया हो भले सफल ना हुआ, सफल ना हो, अरे वाह, अरे वाह, चक्कर आ रहा है, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर वाह, क्या कर कान पकड़ रहे हो, तो फाइनली गाइस ये है विजय भाई का पुराना घर, आपको मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ पीछे से, हाँ भाई क्या हुआ, चक्कर आ रहा है क्या, आओ घुमा दे तुमको,
तुम्हारा ज्ञान तो सुनना है सुनना यार, ये ज्ञान है पापा हमारे। हाँ जी हाँ बताइए, कुछ बताइए यार, क्या कर रहे हैं आप? मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मेरी एक कान निकली है। चल चल के दिखाओ, चल के भाई भाई से करो पूरा मजे मजे से। भाई जैसे मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था लेकिन मजरू भाई की पेमेंट आती है, मेरा मोनेटाइज हो गया है, आप लोग देखो मैं भी कुछ बोलता हूँ, मजा आएगी। मुझको सब्सक्राइब करो, भाई का चैनल है बाबा फिल्म जी, बाबा फिल्म जी भाई को सपोर्ट करेगा, बाकी नहीं करेंगे तो बाद में भाई सपोर्ट ना करेगा। इस वीडियो के नीचे लिंक है, नीचे लिंक है, भाई को सब्सक्राइब कर दें। और ये देख सकते हैं पीछे घर का कुछ सीन ऐसा है, ये देख सकते हैं भाई, आगे के पोर्शन मैं दिखा चुका हूँ, पीछे दिखा चुका हूँ दोस्तों, और नया घर भी मैंने दिखा दिया आपको। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, पहले एक इंस्ट्रूमेंट होता था जब मकान बनाया जाता था पुराने जमाने में, उसको बोलते थे धन्नी, धन्नी। ये देखो धन्नी, ये धन्नी लगी हुई है पीछे से कुछ ऐसा है, और नया वाला धन्नी आज की डेट में उसको सरिया बोल सकते हैं। तो फाइनली गए, ये था विजय भाई का पुराना घर, नया घर मैंने आपको दिखा चुका है, अगर नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए और दिखा दे दिए। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं वो देखिए वो दिख रहा है, वैसे वीडियो में आपने पूरा सारे देख ही लिया है, लेकिन नहीं देखा तो नीचे लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए फटाफट देखिए, लेकिन चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें यार, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बड़े बड़े क्रिएटर्स से मिलते रहते हैं, दिखाते रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल ऐसे क्या करते हैं सब कुछ हम दिखाते, तो सब्सक्राइब तो बनता है ना मेरे भाई। भी बता दीजिए कि अब किससे आपको मिला, अब कमेंट करिए कि इसके बाद किससे मिला है आपको, हम कोशिश करेंगे उससे मिलाने के लिए, हमको चैलेंज भी करवाइए, चैलेंज करिए कि भाई इससे मिलना है हमको, ये टकला करवा दें इनको तो कितने व्यू कितने लाइक चलेगा भाई, के लिए कुछ नहीं कर सकता, इतना हार्ड नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कि बिना टी शर्ट के चौराहे पे घूम लो ये इस तरह चैलेंज इसको दो भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, भाई का चैनल है बाबा फिल्म्स, सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।